आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है बहुत इस सेशन में। आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये सेशन किसके लिए है। ये सेशन उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो स्टेप बाय स्टेप तरीका चाहते हैं कि वो अपनी बिजनेस की चीज़ों से बाहर निकलें और ग्रोथ की तरफ बढ़ें। इस वाले सेशन में कोई भी आपको कोई वैसी स्कीम नहीं मिलेगी कि क्विक वाली चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई क्विक वाइट नहीं है यहाँ पे इस वाले सेशन में। ये मैं पहले ही आपको बता सकता हूँ, मतलब आप लोगों को शायद उस वाली चीज़ में फ़ायदा ना हो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको आप अपना टाइम कैसे फ्री कर सकते हैं और अपना बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने ग्रोथ की तरफ अपने दिमाग को लेके जा सकते हैं। आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में होते हैं। एक बार हम लोगों ने जब उनके साथ ये वाली एक्सरसाइज करी कि भाई आप लोग जैसे बिजनेस में आए, आपने बिजनेस शुरू किया, कोई तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा आपका कि भाई बिजनेस आपको कोई चीज़ तो पूरी करता होगा आपके लिए, राइट? तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, तो मैं आपके सामने लिखता हूँ जो मोटी मोटी चीज़ें सबके निकल के आएँ कि भाई व्हाट डू दे वांट इन लाइफ। ये एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आई, बहुत लोगों का जो कॉमन थीम था वो था सक्सेस। भाई हमें सक्सेस चाहिए। सक्सेस की डेफिनेशन लोगों की अलग अलग तरीके की थी। किसी की बिजनेस की डेफिनेशन थी कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो काफ़ी आगे बढ़े, मैं काफ़ी आगे जाऊँ और वो वाला काम करूँ। कुछ लोगों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपना ये वाला काम कर सकूँ। तीसरी चीज़ निकल के आई जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी वो थी मनी, कि भाई पैसा भी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई पैसा आपको एक लेवल पे सिक्योरिटी देता है, ये वाली चीज़ थी। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई वो थी आपकी फ्रीडम, भाई आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी कुछ भी करने की, आज़ादी टाइम की, राइट? तो ये फ्रीडम वाली चीज़ निकल के आई। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ निकल के आई जो उनके लिए ज़रूरी थी वो थी टाइम, फ्री टाइम मुझे चाहिए, ये वाली कुछ चीज़ें निकल के आई। उसके बाद कुछ लोगों ने ट्रैवल बोला, हेल्थ बोला, राइट? ये सारी चीज़ें जो लोगों को करने में अच्छा लगता था और अच्छा लगता है, राइट? उसमें से कुछ हमारे कैंडिडेट्स थे जो कि बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन उस साइड में उनका कोई पैशन था जिसे वो परस्यू करना चाहते थे, लेकिन वो पैशन परस्यू नहीं कर पा रहे, राइट? तो भाई वजह क्या रह रही थी? वजह ये थी टाइम ही नहीं किसी वाली चीज़ के लिए। और मजे की बात यह है, जिन लोगों के पास सक्सेस थी उन लोगों के पास ये वाली चीज़ें अवेलेबल थी, राइट? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई है, राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये वाली चीज़ तो हमने आंसर कर दी कि भाई व्हाट डू दे वांट में भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए। सक्सेस चाहिए, फैमिली चाहिए, मनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, हेल्थ चाहिए, ट्रैवल चाहिए। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप बताइए इस वाली चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास नहीं, मेरे ख्याल से 1-2% ही लोग थे जिनको वो चीज़ें मिल रही थी जो वो करना चाह रहे थे। ना तो लोगों के पास फ्रीडम था, ना लोगों के पास फ्री टाइम था, ना हेल्थ थी। हेल्थ के बारे में सब जानते तो थे कि भाई जो हेल्थ चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हेल्थ का करूं क्या, उसके लिए टाइम निकालना किसी के पास नहीं थी। ट्रैवल करना, घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें हैं जो चाहते हैं हमारे आम तौर पे जितने बिजनेस ओनर्स हैं, जब हमने उनके साथ काम किया, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो मुझे पता करा ये वाली वो चीज़ें हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया, पाया गया कि यार करते ही नहीं है वाली चीज़, तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब वो ये काम नहीं कर रहे होते और ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें पता भी है ये वाली चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर कर क्यों नहीं रहे? भाई क्या वजह है कि वो ये वाली चीज़ नहीं कर पा रहे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई बिजनेस में टाइम निकल जाता है। तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, बिजनेस से आपकी रोजी रोटी आती है तो ये वाला टाइम जो है वो निकल जाता है, अच्छी बात है। सेकंड लेवल पे जब हम लोगों ने बात करी तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली बिजनेस ओनर्स थे नहीं। एक टर्म होता है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? भाई जैसे नौकरीशुदा लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके काम करते हैं और पैसा लेके आते हैं और अपना काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी वो होता है जो दूसरे के लिए काम नहीं करता लेकिन खुद के लिए काम करता है। सो ये आदमी क्या करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है और टाइम इन्वेस्ट करके क्या करता है, पैसे कमा पाता है, कुछ चीज़ें कर पाता है। थोड़ी सी एक बात कठोर कहना चाहूँगा बहुत लोगों के लिए कि वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी नौकरी खुद कर। सो अपनी नौकरी खुद करने के कुछ तो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि भाई आपकी आज़ादी होती है, जब मन करे कब काम करो, जब मन करे काम मत करो। शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर
सेल्फ एम्प्लॉयड वाले आदमी के साथ ये दिक्कत होती है, जब वो काम नहीं कर रहा होता है तो क्या होती है, सारी चीजें रुक जाती है। रुक जाने का क्या मतलब है कि भाई कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ होगा ही नहीं हुआ लगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज है ये बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ होती है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके जो बिजनेस ओनर बनने तक की जो जर्नी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके बिजनेस ओनर्स की जो जर्नी है, ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे रहते हैं। अब क्या होता है, इसकी वजह कुछ है, राइट? हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू होती है वो इस तरीके से शुरू होती है कि भाई ज्यादा पैसा कमाएंगे, आजादी होगी, लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, ये सब काम करेंगे, लेकिन वो चीजें जो होती है वो हो नहीं पाती, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि कई बार हमें आती नहीं और कई बार मौका नहीं मिलता। तो हर कंपनी की एक स्टेज होती है। स्टेज का क्या मतलब है, कोई कंपनी स्टेज जीरो की कंपनी वो होती है जिसमें अकेला आदमी काम कर रहा हो, तो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, राइट? जैसे एक डॉक्टर हुआ, वो स्टेज जीरो का होता है, अगर छोटा होता उसको हॉस्पिटल नहीं होता है, तो क्या करता है, वो अपने टाइम को मैक्सिमाइज करता है। अगर आप कोई कंसल्टेंट हैं तो अपने टाइम को मैक्सिमाइज करते हैं, अगर आप कोई कोच हैं तो अपने टाइम को मैक्सिमाइज करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, लोगों को हायर करते हैं। जब आप लोगों को हायर करते हैं तब भी आप बिजनेस ओनर नहीं बनते, बिजनेस ओनर आप फिर आप क्या करते हैं, आदमी से मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर का मतलब कि आपके पास ये वाले लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप देखते हैं कि इनका काम कब होगा। बिजनेस ओनर आप तब बनते हैं जब आपकी चीजें लोगों पे चली जाती हैं और लोग काम करना शुरू कर देते हैं, आप अपना जो ध्यान है वो उन चीजों में लगाते हैं जो बिजनेस ओनर जिस चीज में लगाता है। देखिए, बिजनेस का काम होता है बिजनेस को ग्रो करना, ओनर का। अगर आप बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें किसी भी बिजनेस की, उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस के प्रति, क्या, बिजनेस को ग्रो करना। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो टाइम है वो किस चीज में निकल जाता है, या तो खुद काम करने में निकल जाता है या बिजनेस का मैनेजर बनने में निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अनगिनत लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया है, जिनका रिटेल स्टोर है, जब मैं उनके साथ घुसता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या करते हैं, मैंने पाया वो उस समय स्टोर मैनेजर का रोल निभा रहे होते। स्टोर मैनेजर का क्या रोल होता है कि भाई चीज़ें सही लगी हुई हैं, गोदाम से सामान आ गया, डिस्प्ले में है, नहीं है, इस तरीके की चीज़, राइट? जब मैंने सर्विस वालों के साथ काम किया, मैंने देखा कि वो लोग खुद ही वो वाला काम कर रहे हैं जिस चीज़ के सर्विस का वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बहुत से हद तक बहुत सारे हमारे बिजनेस ओनर्स क्या है, बीच में जो स्टेज होती है इस वाली स्टेज पे ग्रेजुएट कर चुके हो। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स आप क्या बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, और मैनेजर बनने के बाद आप एक बिजनेस ओनर बनते हैं। सो इस तरीके से ये वाली जो जर्नी होती है ये शुरू होती है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं जो यहाँ पे निबट जाते हैं, ये वाला जो क्रॉस करना होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मैनेजर, लेकिन मैनेजर से जो बिजनेस ओनर बनना होता है, ये वाली जो तिगड़ी होती है इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें थोड़ी सी टेक्निक, स्किल, नॉलेज, ये सारी चीज़ें लगती हैं। इस वाली चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं, इस वाली चीज़ को ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए बेकरी, बेकरी के बारे में सब जानते हैं, बेकरी जो होती है जहाँ पे केक मिलते हैं वो मिलते हैं। तो भाई क्या हुआ, एक बेकरी ओनर है, उसने क्या करा, बेकरी ओनर ने केक बनाना शुरू किया, उसने ये पाया कि यार मैं केक बड़े अच्छे बनाऊँ, राइट? तो उसने कहा कि यार क्यों ना ये वाला बिजनेस करा जाए, राइट, कि भाई केक बनाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, केक बनाना शुरू करा। जब उन्होंने केक बनाना शुरू करा तो भाई ऑर्डर आना शुरू हो गए। अब क्योंकि वो केक खुद बना रहे थे तो क्या हुआ, पहले 5 ऑर्डर आया 8 ऑर्डर आया, लोगों ने कहा भाई 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 वाह, बहुत ही जबरदस्त केक बनता है इनके यहाँ। तो क्या हुआ, 8 ऑर्डर आए 10 ऑर्डर आए। अब उसके बाद क्या हुआ, वो ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो गया क्योंकि रेफरल से काम आना शुरू हो गया और लोगों ने कहना शुरू कर। अब क्या हुआ, इन वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनको एक नाम दे देते हैं, रमेश जी नाम दे देते हैं, ऐसी कोई नाम मैंने चुन लिया, रमेश जी। तो रमेश जी क्या करते हैं, केक बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन अब ये जो ऑर्डर थे ये 10 से 20 हो गए। जब ये ऑर्डर 10 से 20 हो गए तो रमेश जी ने क्या करना शुरू किया, अब जिस काम में उन्हें मजा आता था, अब वो काम उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, उस काम ने दुखी करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि अब वो सुबह 8 बजे उठते थे और शाम तक केक ही बनाते थे। तो उनके मन में तो खुशी थी कि भैया पैसा तो आ रहा, देखो मैंने ये वाली चीज कर ली, लेकिन टाइम खत्म हो गया जी, कोई बात। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक आदमी रखा, रमेश जी ने, मान लीजिए रमेश जी ने सुजीत को रख लिया, सुजीत भी आए बिजनेस में, उन्होंने कहा चलो भाई तुम भी केक बनाओ। अब क्या हुआ, दो लोग मिलकर केक बनाने लगे।
लेकिन अब जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ, सिर्फ केक बनाना नहीं रह गया, बिजनेस के और हाथ खड़े हो गए, राइट? क्योंकि अब एक पार्टी का पेमेंट आना शुरू हो गया, जिन वेंडर से सामान लेते थे उसका पेमेंट देना, लोगों से पैसे कलेक्ट करना, सामान को स्टोर करना, स्टॉक मैनेज करना, बैंक में जाके काम करना, ये सारे काम उस बिजनेस के साथ आना शुरू हो गए। देख लीजिए दुनिया कैसे धीरे धीरे बड़ी हुई। पहले तो केक चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। अब जो रमेश जी हैं उनका ध्यान केक की जगह बाकी चीजों पर भी जाने लगा। जब उनका ध्यान केक की जगह बाकी चीजों पर भी जाने लगा तो क्या हुआ, केक वाली एक्टिविटी सुजीत जी बनाने लगे। लेकिन सुजीत जी उतना अच्छा केक तो बनाते नहीं थे क्योंकि उन्हें ट्रेन नहीं कर पाए। तो केक क्या होने लगा, खराब होने लगा। जब केक खराब होने लगा तो क्या हुआ, ऑर्डर कम होने लग गए। इस वाली चीज में बिजनेस की और एक्टिविटी थी वो बढ़ती चली गई और उनकी जो जिंदगी है वो और टाइट और टाइट और टाइट होती गई। पैसा तो आना शुरू हो गया थोड़ा, लेकिन पैसे के बदले में जो उन्होंने सौदा किया जिंदगी का, वो अपने अमन शांति और चैन का सौदा कर दिया। प्लस अब उन्हें वो मजा भी नहीं आता क्योंकि अब वो बिजनेस वाली जो एक्टिविटी है बिजनेस की बन गई है। अब वो अकाउंटिंग भी करते हैं, अब वो बैंक में पैसे भी जमा करते हैं, अब वो परचेज भी करते हैं, अब वो मैनेजरों की तरह बाकी लोगों को मैनेज भी करते हैं, ये सारे काम करते हैं अब वो, राइट? इस तरीके से सारी चीजें बढ़ती चली गई। तो क्या होगा, वो मैनेजर बन गए। अब बिजनेस ओनर बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ओनर बनने के लिए उन्हें अपने जैसे और लोग खड़े करने होंगे। जो उन लोगों की क्या खासियत है, यहाँ पे एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि भाई अपने जैसे, जैसे राजेश जी के साथ ये चैलेंज आया कि जब उन्होंने सुजीत जी को केक बनाने सिखाया, सुजीत जी ने सोचा भाई वाह, ये केक तो मैं भी बना लूंगा, ये तो मुझे केक बनाना आ गया। तो क्या करा उन्होंने, उन्होंने कहा चलो मैं भी अपना बिजनेस खोल देता हूँ। तो सुजीत जी ने अपनी एक नई दुकान खोल दी। तो क्या हो गया, राजेश जी फिर से अकेले पड़ गए, साथ में सुजीत जी ने उनके कस्टमर भी तोड़ दिए। सो अब जो काम था, जिस काम में मजा आता था केक बनाने, वो खत्म हो चुका, वो तो जिंदगी से अब इन सब चीजों में जूझ रहे, राइट? तो ये जो मैनेजर से बिजनेस ओनर बनने की जो जर्नी होती है, ये जर्नी रमेश जी को क्रॉस करनी पड़ेगी और उन्हें उस लेवल में पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो उन्हें चाहिए हूं और वो वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशन में कि वो वाली चीजें क्या है। अब इससे इम्पैक्ट इन लाइफ क्या हुआ, इम्पैक्ट इन लाइफ ये हुआ रमेश जी की जिंदगी में कि भाई क्या क्या चीजें आना शुरू हो गई, टाइम कम हो गया, टाइम नहीं बचा, नो टाइम। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेस जिंदगी में आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुई यार, ऑर्डर डिलीवर करने, उनको प्रॉमिस किया और उसको कस्टमर शिकायत कर रहा है, ये आदमी आया नहीं है आज, इसको कैसे बात करें, स्ट्रेस है। उसके बाद फैमिली का टाइम चला गया, उसके बाद हेल्थ चली गई, राइट? उसके बाद फ्रीडम चला गया। तो जरा ऊपर नजर डालिए, जिस चीज के लिए काम करा और जिस चीज के लिए ये वाला चक्का घुमाया, इस चक्के में यही वाली चीज गायब हो गई जिंदगी से। क्या बात समझ में आ रही है सबको? सो जिस चीज के लिए शुरुआत करी सारे काम की, वही चीज जिंदगी से छिन गई, भाई नहीं जिंदगी में। मैं आपको बताता हूँ, इतना दुख हुआ मुझे। मेरे एक कस्टमर है जिनसे जब मैं बात कर रहा था तो मेरे माइंड वाले उसमें आए थे, वो कोर्स में, तो मैंने उनसे पूछा, तो बात करते करते काफी इमोशनल हो गए। वो मुझसे बोले कि सर मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो और मैंने अपना पूरा टाइम बिजनेस में निकाल दिया। और मजे की बात यह है कि बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, या तो ये हो गया हो मैंने बिजनेस में बहुत सक्सेस पा ली, वो काम भी नहीं, तो मैं बिजनेस में भी एक जगह रुका रहा और मेरी बाकी की जो चीजें थी जिंदगी में वो भी चली गई। अब आप सोचिए, ये वाली चीज जिंदगी से बाहर निकलती चली जाती है और जिस पर्पज के लिए हम ये वाला काम शुरू करते हैं, हम उस पर्पज को ही सॉल्व नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज जो सक्सेस जो सभी बिजनेसमैन को लगभग प्यारी होती है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उस वाली चीज पे थोड़ा सा आते हैं, राइट? और उस वाली चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे पास ये तीन फूल है, आपके पास ये पहला फूल है ए, इसको नाम देते हैं ए। उसके बाद आपका एक तीसरा फूल है, ये है सी। ये वाला जो हमारा फूल है, ये फूल है हमारा सी। अब हमारे पास यहाँ पे है रमेश जी। सो रमेश जी क्या करते हैं, रमेश जी रोज आके इस पौधे को फूल देते हैं, इस पौधे को पानी देते हैं, फिर आके इस पौधे को पानी देते हैं, फिर अगले दिन आके फिर इस पौधे को पानी देते हैं, और फिर आके फिर इस पौधे को पानी देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, इस वाले पौधे को भी पानी देते हैं। तो ये वाला जो पौधा है, यहाँ पे भी वो क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं कभी कभी,
इच्छा हो जाती है, और क्या करते हैं यहाँ पे भी पानी डालते हैं। सो आप मुझे बताइए ए बी और सी इन तीनों पौधों में कौन सा पौधा है जो सबसे ज्यादा खिलेगा? ए, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे बताइए सी वाले पौधे का क्या होगा? सर मुरझा जाएगा सर, वो पानी उसको पड़ नहीं रहा है तो वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्या सब लोग इस वाली चीज से एग्री करते हैं कि जो सी वाला पौधा है इसका क्या होगा? ये मुरझा जाएगा, राइट? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ और इन पौधों पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीके की एक्टिविटीज होती है हमेशा। जो एक एक्टिविटी होती है, सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है ग्रोथ एक्टिविटीज। ग्रोथ एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज होती है जिससे कंपनी में क्या होती है, ग्रोथ आती है। क्या बात क्लियर हो रही है सबको? सेकेंड लेवल पे जो वो होती है हमारी कंपनी में, वो होती है ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी। ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या मतलब है भाई? ऑर्डर फुलफिलमेंट का ये मतलब है, मान लीजिए आपका सर्विसेज का काम है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब? भाई आपने फीस ले ली और आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं जिसकी बात कर रहे हैं। या मान लीजिए आपका फोटोग्राफी का, वीडियो एडिटिंग का बिजनेस है, तो आपने क्या करा, लिया और आप उनके लिए फोटो एडिटिंग कर रहे हैं। अगर आपका होलसेल का काम है तो ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या काम है? भाई रिटेलर से ऑर्डर आया, उसे ऑर्डर डिस्पैच कराना। अगर आपका अमेजोन का काम है तो ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या काम है? लोगों तक ऑर्डर पहुंचाना, पैकेजिंग करना। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या माने, जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई है उसको वो करना। तो हर वो एक्टिविटी जो कस्टमर से किया हुआ प्रॉमिस उसको पूरा करने में लगती है, वो क्या होती है? ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी होती है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? उसके बाद क्या है, थर्ड जो एक्टिविटी होती है वो होती है बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी। बिजनेस सपोर्ट का क्या मतलब होता है, इस वाली चीज को ऐसे समझिए। बिजनेस सपोर्ट का मतलब होता है भाई वो एक्टिविटी जिससे आपका बिजनेस सपोर्ट होता है लेकिन जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना होता नहीं, राइट? ये वो एक्टिविटी होती है जैसे टैक्स भरना, फाइनेंस की अकाउंटिंग करना, ये वो वाली एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है लेकिन उनका कोई बिजनेस की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। क्या बात समझ में आ रही? तो आपकी जो जैसा मान लीजिए ग्रोथ की एक्टिविटीज फिर कौन सी होती है? ग्रोथ की जो एक्टिविटी होती है हर वो एक्टिविटी होती है जिससे आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ की तरफ जाता है। तो जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, ये ग्रोथ की एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने बिजनेस पे कैसे लेके आऊं, राइट? जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो सेल्स की एक्टिविटी होती है। सेल्स की एक्टिविटी का क्या मतलब है कि भाई ये आदमी आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया है, इसे कस्टमर कैसे बना, ये कौन सी हो गई, मेरी सेल्स की एक्टिविटी हो गई। क्या क्लियर हो रही है वाली बात, राइट? उसके बाद भाई आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि भाई कैसे मेरा बिजनेस ग्रो करने वाला, मैं नए बिजनेस कैसे खोलूंगा, नई चीज पे कैसे जाऊंगा, नए सेगमेंट में कैसे घूरूं, ये सारी चीजें कौन सी एक्टिविटीज है, बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक्टिविटी है। ये सारी क्या लगती है आपकी कंपनी में, ग्रोथ लेके आती। इन वाली एक्टिविटी से आपके बिजनेस में क्या होती है, डायरेक्ट ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। बिजनेस सपोर्ट में आपकी एक्टिविटी होती है एडमिन की एक्टिविटी, एचआर की एक्टिविटी, फाइनेंस की एक्टिविटी, ये सारी क्या करती हैं, बिजनेस सपोर्ट की। जैसे फाइनेंस में भाई आपने किसी को बिल बना के दिया, किसी का बिल बना के लिया, उसमें बिजनेस में कैसे ग्रोथ है, वो तो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है ना फंक्शन, उसका कुछ ग्रोथ से लेना देना थोड़ी नहीं है, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है बिजनेस को। तो फायदा क्या है इस वाली एक्टिविटी करने, मतलब इसका बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, ये बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, ये बिल देना है, बिल आना है, बिल एंटर करवाना है, ये सारी चीजें क्या है आपकी बिजनेस सपोर्ट की एक्टिविटी है। ऑर्डर फुलफिलमेंट की जो आपकी एक्टिविटी होती है वो इस तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें आप कस्टमर से रिसीव करते हो ऑर्डर, ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्रोसेस करना, राइट, परचेज करना, स्टॉक को परचेज करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सारी चीजें किस चीज की हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटीज है। क्या बात समझ में आ रही है? सो इस वाली चीज से क्या होता है, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग वाली जो एक्टिविटी होती है, इस वाली चीज से आपके कौन आता है, न्यू कस्टमर आता है, नया कस्टमर आपके दरवाजे पे आता है इस वाली चीज में। ये वाली जो एक्टिविटी है आपकी, इस वाली एक्टिविटी से आपके यहाँ रेफरल आता है, रिपीट बिजनेस आता है और उसके बाद रेफरल का बिजनेस आता है। ये दो चीजें हैं
जो आपके इस वाली एक्टिविटी से आती है, राइट। जब आप इस वाली चीज पे टाइम बिताते हैं तो ये होता है। बिजनेस सपोर्ट में क्या आता है? नो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, हल्का सा इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें एचआर की एक्टिविटी है, तो भाई आपको लोग चाहिए, हायर करने हैं। अब दोबारा इन्हीं गमलों पे आ जाते हैं। ये ए जो हमारा गमला था ना, जिसे हमारे रमेश जी रोज आके पानी देते थे, वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का गमला था। तो ये वाला गमला था जो होता है फल फूल रहा था। फल फूल क्यों रहा था? क्योंकि इसमें वो सबसे ज्यादा टाइम बिताते थे। क्या बात समझ में आ रही है सबको? सो आप देखेंगे उस वाले बिजनेस रिपीट ऑर्डर आता है, रेफरल बिजनेस आता है, ये वाली चीजें आती है। ये जो बी वाला गमला है, ये वो वाला गमला है कि जिसमें भाई बिलिंग के लिए बैठे हैं, एडमिन का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये भी थोड़ा चलता रहता है, इससे चीजें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। ये वाला जो हमारा गमला है सी, ये ग्रोथ का गमला है, इसमें रमेश जी कभी पानी नहीं डालते थे। इस गमले में अगर पानी नहीं डालेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? इस गमले का क्या होगा? ये गमला, ये पौधा मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो रमेश जी टाइम ही नहीं दे रहे। जब रमेश जी यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे तो अपने आप थोड़ी नहीं बढ़ेगा, यहां से उनका बिजनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये वाली बिजनेस की अगर ग्रोथ से खुश है तो बढ़िया है, लेकिन इस वाली चीज में यह है कि पूरा टाइम ऑर्डर फुलफिलमेंट में निकल जाता है, तो जिंदगी से चैन शांति वगैरह सब चीजें जा चुकी। तो ये जो सी वाला जो पौधा होता है, वो लोगों का बहुत सारा मुरझाया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी नहीं दिया जाता है। आपका पानी क्या है? आपके लिए वो जो पानी है आपके बिजनेस के पौधे में, वो आपका फोकस, आपका टाइम, ये चीजें हैं जो वहां पे जरूरी होती हैं। अगर वो नहीं आती तो ये वाली दिक्कत होगी। तो ये वो वजह है जिस वजह से हमारी वो नहीं आती। उसके बाद हम क्या करते हैं? परेशान होते हैं, यार हमारी बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही। भाई कैसे आ जाएगी? मतलब पैसे तो आप कर लीजिए, ग्रोथ अपने आप कैसे आ रही? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं आएगी। उस पौधे पे पानी डालना पड़ेगा, तभी पौधा बड़ा होगा। जो हमारा ट्रांजिशन है, जो कि यहां से इस लेवल पे होना चाहिए, ये ट्रांजिशन कैसे हो? हम लोग जो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर से बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाए, ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। सो इस वाली चीजों को समझते हैं कि भाई ऐसा हम कर क्यों नहीं पाते हैं, किस चीज में कौन सी चीजें रहते हैं जिसकी वजह से हमें कमी छूट जाती है, हम लोग ये वाला काम कर नहीं पाते हैं। और हम जब हम ये काम करने की कोशिश करते हैं तो इस काम में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं। तो उसकी कुछ वजह डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख के देखते हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे हमारे प्रोग्राम में आए थे एक, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी और मेरे दिमाग में चिपक गई। कह रहे सर, मैं ना फैमिली बिजनेस में था, मेरे पिताजी ने मुझे इस बिजनेस में उतार दिया। तो क्या हुआ, ये वाली बात थी कि मुझे ना तालाब में उन्होंने धकेल दिया। तो मैंने क्या करा, तालाब में तैरना सीख लिया। लेकिन तालाब में मैं तैरता तो हूँ, लेकिन जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत का मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। मुझे बताइए क्या करा जा सकता है? तो भाई उनसे हमने बात करी, हमने कहा भाई बिल्कुल काम किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और रिजल्ट कम आता है। अगर आप कायदे से उतनी ही ताकत लगाएंगे और सही तरीके से लगाएंगे, राइट, किसी मशीन पर वो ताकत लगाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले। मशीन वाली बात यह है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ये एक पत्थर है, आप इस पत्थर को क्या करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पत्थर उठाना है, भाई मान लीजिए 100 किलो का पत्थर है, आपका ये पत्थर उठाने के क्या तरीके हैं? भाई आप अपने हाथ से लो इस पत्थर को, उठा, थोड़ी ताकत लगी। नहीं तो आप मुझसे कहो, सर मुझे ऐसा करो ना यार, ये 100 किलो का पत्थर यहाँ पे रखो, मुझे ना एक मशीन दे दो, यहाँ पे आपको ताकत लगानी पड़ी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 100 ही ताकत लगानी पड़ी, यहाँ पे आपका काम था जो क्या है 10 में हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपका जो 100 किलो का पत्थर था वो उठ गया। यानी कि अगर मैं सही तरीके से मशीन का इस्तेमाल करूं तो उतनी ही ताकत में ज्यादा काम कर सकता हूं, राइट। अब ये वाली चीज तो प्रिंसिपल की बात है, लेकिन ये वाली चीज तो समझनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों के पास क्या नहीं होती, हम लोगों के पास रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज नहीं होती, ये वाला काम करते कैसे? भाई कोई भी आदमी लेके तो पैदा नहीं हुआ, राइट। सो हम लोग के पास क्या होती है, स्किल्स और नॉलेज नहीं होती है। अक्सर ये वाली चीज में क्या होता है, ऐसा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, कितने सारे मैंने बिजनेसमैन देखे, जब मैं उनसे पूछता हूँ हाँ भाई आपके यहाँ मार्केटिंग कौन करता है, तो मुझसे कहते हैं कि भाई मार्केटिंग तो सर कोई भी नहीं करता। कुछ होते हैं जो कहते हैं हाँ सर मैं मार्केटिंग करता हूँ। अब जब मैं उनसे देखता हूँ, उनसे बात करके कि भाई मार्केटिंग में वो क्या कर रहे हैं, तो
मुझे समझ में आता है, काफी सारों को पता ही नहीं होता है कि मार्केटिंग में सारी चीजें होती क्या, कैसे होती, तो बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान कर चुके होते हैं और चीजें कर चुके होते हैं। और आप सोचिए, अगर उसके उनकी कंपनी के बारे में सोचिए, अगर उनकी कंपनी कोई इंसान होती तो वो क्या कहती कंपनी, कंपनी ये कहती कि यार मेरा मार्केटिंग का काम वो आदमी कर रहा है जिसके पास स्किल ही नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है वो काम करेगा तो कैसे करेगा, वैसे ही करेगा ना, राइट, क्योंकि वो वाली चीज़ कर नहीं पाता क्योंकि उसने सीखी नहीं है। सो रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज नहीं होती। कभी कभी क्या होते हैं, हमारे फियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, भाई बहुत तरीके के होते हैं, अगर मैंने कर दिया तो नुकसान ना हो जाए, चीज़ों में ये दिक्कत ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चकारी ना हो जाए, इस वजह से भी बहुत बड़ा ऐसा ये वाला काम। और कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे करना ये वाले काम को, वाली चीज़ अगेन स्किल और नॉलेज पे आ जाती है, राइट। सो ये वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर ये वाली चीज़ों पर काम करा जाए तो आपके वही जो मैंने लीवर वाली चीज़ बताई आपको, आपका बिजनेस लीवर की तरह काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको बताता हूँ, मैं जब इंडिया में था तो मैं स्विमिंग करता था, सो स्विमिंग मैंने अपने आप सीखी। तो मैं क्या करता था, जब स्विमिंग करता था मैं तकरीबन 10 मीटर 12 मीटर स्विमिंग कर लेता, लेकिन मुझे पानी में सांस लेनी नहीं आती, सो मुझे दिक्कत होती, मैं लंबी स्विमिंग नहीं कर पाता था, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच ही नहीं मार पाता था। फिर क्या हुआ, फिर यूट्यूब का ज़माना आया, फिर यूट्यूब में मैंने कहा कि भाई सीखते हैं, यूट्यूब से ऐसे करके सीखना चाहे, ऐसे करके सीखने के लिए, तब भी नहीं आया, राइट। उसके बाद लंदन में मैं यहाँ पे स्विमिंग कोच लगाया, मैंने कहा ये चीज़ तो मुझे सीखनी है। स्विमिंग कोच ने आके मुझसे कहा कि ये जो अपनी गर्दन है ना, इसे 180 डिग्री घुमा दो, ऐसे करके खुद सांस ले लोगे। और जैसे ही मैंने गर्दन को 180 डिग्री घुमाया, मुझे पानी में सांस लेना आ गया। तो बहुत छोटी सी चीज थी जो करेक्ट हो गई, नहीं तो मैं जान लगाता रहता था। तो ये वाली जो चीज है, स्किल नॉलेज ना होने की वजह से कई बार ये वाला जो होता है काम हो जाता है। आप सोचिए, यहां पे किसी भी जगह पे, आप सोचो किसी भी जगह पे, आप कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी हिस्सा ले लो, राइट, जिस जगह पे अगर आदमी को नॉलेज नहीं होगी तो वहां पे काम कैसा चलेगा, आधा अधूरा चलेगा, राइट। और क्या होगा, हमारे गोल तो होते ऊंचे लेकिन हम उसे अचीव कर नहीं पाते, तो क्या होता है, डेली लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आती है और इससे क्या होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज पे कि यार इसे करें क्या, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है जो जरूरी होती है, वो होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है हिंदी में, जागरूकता। जागरूकता का मतलब कि हाँ भाई कोई चीज गड़बड़ है, इसे सही करना कि भाई ये एडमिट करना होता, हाँ कोई दिक्कत है भाई, इसे सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत सही नहीं होगी तो क्या होगा, तो आप शायद उसके लिए काम ही नहीं करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है, जागरूकता, अवेयर हो जाना कि भाई प्रॉब्लम है, राइट। सेकेंड लेवल पे क्या होती है, सेकेंड लेवल पे होता है जब आप अवेयर हो गए किसी प्रॉब्लम से, फिर उसके बाद ये होता है कि अच्छा अब देखते हैं कि प्रॉब्लम है कहां पे, फिर आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। अगर हमें अपने टाइम फ्री करना है, सबसे पहले अवेयरनेस मुझे बताइए किस चीज की आनी चाहिए, सबसे पहले स्टेप में अवेयरनेस किस चीज की आनी चाहिए मुझे बताइए, टाइम की, टाइम जा कहां रहा है। और ये वाला बेसिक नियम जान लीजिए, यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल क्या है, यूनिवर्सल रूल है जिस चीज को भी सही करना है आपको जिंदगी में, याद कर लीजिए ये वाला रूल, जिस चीज को सही करना है उस पर लेंस लगा दीजिए। लेंस लगाने का क्या मतलब है, उसे मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए, कोई से भी दुनिया की प्रॉब्लम हो, जिस चीज में आपका दिमाग कह रहा है यार इस चीज से बहुत परेशान हूं, लगा दीजिए वहां पे लेंस, मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। सब चीजों का जो पहला इलाज होता है वो मॉनिटर करना होता है, दिक्कत है ये मॉनिटरिंग करना शुरू कर दीजिए, जिस चीज में दिक्कत है। अब यहां पे हम क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं तो हम टाइम की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देंगे। अगर राहुल धर्मदाकारी जी कह रहे हैं अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो उसे मॉनिटर करना शुरू कर दें। आपको जिस चीज में दिक्कत है उस चीज का पहला नियम क्या है, उसे मॉनिटर करना शुरू कर दो। 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई, सिर्फ इतना करने से आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको आगे की चीज बताता हूँ, ये एक वर्कबुक और ये दे रहा हूँ, राइट, जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे भरें, राइट। मैं आपको इसके कॉलम समझाता हूँ क्या क्या है। ये जो टाइम है, टाइम का मतलब है, टाइम का मतलब मैं किस समय ये वाली एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ। सेकंड, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का क्या मतलब है, ड्यूरेशन का मतलब है कि भाई
कितना टाइम लगाया मैंने इस गतिविधि जो मैं काम कर रहा हूँ, कितनी ड्यूरेशन का काम है। थर्ड लेवल पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब उस काम के बारे में बताना कि ये वाला काम क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस चीज को लिखना। चौथे लेवल पे प्रोसेस, प्रोसेस का क्या मतलब है, प्रोसेस का मतलब है कि भाई ये कौन से प्रोसेस का काम है। जैसे भाई मैं ये ऑर्डर का काम कर रहा हूँ, पेमेंट का काम कर रहा हूँ, स्टॉक का काम कर रहा हूँ, कस्टमर डिलाइट का काम कर रहा हूँ। समझ में आ रही है वाली बात? आप सबके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, क्या ये वाली चीज क्लियर है? पांचवें लेवल पे ये वाला काम कौन से उसका काम है कि भाई क्या ये मैं कौन से गमले में पानी दे रहा था, क्या ग्रोथ के गमले में पानी दे रहा था कि ऑर्डर के गमले में पानी दे रहा था कि सपोर्ट के गमले में पानी दे रहा था। ये सेल्फ मॉनिटरिंग की अवेयरनेस एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैं आपको आज गारंटी से लिख के दे रहा हूं, गारंटी से, आप 3 दिन सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए ईमानदारी से, आपके नयन चक्षु खुल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और आपको यहां से रास्ते मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है नियम, अवेयरनेस मतलब जागरूक होना। क्या क्लियर है ये वाली बात? सो 3 दिन तक ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है, ये ठीक है। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसे जरूर भरिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस वाली चीज का से मैं आप कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको हम इस बेसिक टूल से, आसान है ये वाला काम, कठिन नहीं है, एक बार करना है और चीजें आसान हो जाएंगी। अब एक बार करके देखते हैं। एक हमारे कस्टमर आए थे, उन्हीं का आपके सामने डेटा दिखाता हूँ। इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, मतलब आप समझ लीजिए इनका जो काम है वो रिटेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, FMCG प्रोडक्ट्स के, राइट। तो भाई साबुन तेल ये वाली चीजें तो होल सेलर है, सुपर स्टॉक है। लोग क्या करते हैं, सारे रिटेलर्स को ये वाला सामान देते हैं। अब क्या हुआ, 11:05 पे उन्होंने 25 मिनट पार्टी के ऑर्डर नोट करे कि भाई साहब मेरे यहाँ, राइट, आज कौन कौन सी चीजें जिसकी डिलीवरी होनी है। 11:30 पे फोन से एक ऑर्डर आया उनके पास, भाई साहब ये वाला सामान मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। तो क्या करा, ये वाली चीज उन्होंने करी। तो ये वाली चीज यहाँ पे नोट है थर्ड लेवल पे। ये 15 उसका 11:45 पे ऑर्डर मिलाया, ऑर्डर बनाने का, ये जो शुरू में ऑर्डर भिजवाने थे उनको, शुरुआत में देखना ये वाले जो ऑर्डर भिजवाने थे, इन्हें मिलाया कि भाई सारा सामान एक एक करके है कि नहीं, क्या सही ऑर्डर जा रहा है कि नहीं, इस चीज में समय लगाया 30 मिनट का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 1:30 ऑर्डर की बात करी कि भाई एक कस्टमर का फोन आया था कि भाई आपके ऑर्डर में ये चीज़ है, वो वाली क्या करी, फोन पे बात। उसके बाद 1:30 पे 1 घंटे का लंच की, 2:30 आए, उसके बाद कुछ पार्टी का पेमेंट करना था तो पार्टी की क्या करी, पेमेंट करी। उसके बाद 3:30 में 30 मिनट के लिए फिर से ऑर्डर लिए, फोन पे ऑर्डर आया, भाई साहब ये वाला सामान भिजवा दो, बैठ के ऑर्डर लिए। 3:30 पे बैंक अकाउंट ऐड करे क्योंकि कुछ पार्टियों के ऑर्डर देने थे। और उसके बाद 4:00 1 घंटे गाड़ी से माल आया था, वो बैठ के वो वाला माल उतारा। इसी वाली चीज को अब हमने क्या करा, आगे बढ़ाया और इस वाली एक्टिविटी को ऐसे पूरा किया जैसे पार्टी के ऑर्डर नोट किए। ये किस चीज का प्रोसेस है, ऑर्डर डिस्पैच का। ये क्या काम है, ये वाले जो काम था ऑर्डर डिस्पैच से रिलेटेड था। 11 ये फोन से ऑर्डर आया उसे नोट किया, ये क्या है, रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर को क्या किया, रिसीव किया। उसके बाद 30 मिनट ऑर्डर मिलाया, ये ऑर्डर का क्या काम है, ऑर्डर को डिस्पैच करवाने का काम है, डिस्पैच ऑर्डर। 4th लेवल पे ऑर्डर की बात करी, मतलब इसमें भी क्या करा, रिसीव करा ऑर्डर को, उसका लंच किया, वो वाली चीज कोई मैंने लिखी। पार्टी की पेमेंट करी, तो ये क्या है, पेमेंट का फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है। उसके बाद फिर से ऑर्डर लिया तो क्या हो गया, रिसीव किया ऑर्डर। तो आप लोगों को क्या करना है इस वाली एक्टिविटी में, जब आप लोग अपना दिन नोट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट प्रोसेस वाली चीज में लिखेंगे ये किस चीज के प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटी थी। तो ये वाली आप उसके बाद अपना दिन लिखेंगे, 5-10 मिनट लगाएंगे और ये वाली चीज लिखेंगे, यार ये किस चीज का काम। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं जहाँ पे हमें लिखना है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑर्डर फुलफिलमेंट की एक्टिविटी थी, ऑर्डर डिस्पैच, रिसीव ऑर्डर, ये भी ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम कि भाई ऑर्डर लिया, ऑर्डर डिस्पैच करना ये भी ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम था, रिसीव ऑर्डर करना ये भी ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम था, पार्टी को पेमेंट करना फाइनेंस का काम था, इसलिए बिजनेस सपोर्ट वाली चीज थी,
रिसीव ऑर्डर फिर से ऑर्डर फुलफिलमेंट था, पार्टी पेमेंट फिर से सपोर्ट का फंक्शन था, रिसीव स्टॉक क्या था, ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो मुझे बताइए ये जो हमारे कस्टमर थे इन्होंने पूरे आके पूरे दिन आके कौन से गमले में पानी डाला, कौन से गमले में पानी डाला इन्होंने? ऑर्डर फुलफिलमेंट में, राइट। तो इन्होंने पूरा जो दिन का टाइम है वो ऑर्डर में निकाल लिया, उस गमले में पानी डाल दिया, पेमेंट सपोर्ट पेमेंट में डाल दिया। तो अब मुझे बताइए क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इनकी ग्रोथ के? उसमें जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अरे ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो चीज है ये करनी है यहाँ पे, राइट। और सबसे पहले स्टेप में आपको ये वाला जो मैंने आपको टूल दिया है, इस टूल को इस्तेमाल करके सिर्फ अपने जिंदगी के 3 दिन इस चीज में लगा लीजिए, आपको बहुत लेवल पे क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन था ये जो हमारे बिजनेस ओनर थे उन्हें अपना टाइम फ्री करने के लिए कौन से सिस्टम पहले डेवलप करने चाहिए? अगर आप इनके देखेंगे कौन कौन से सिस्टम पे काम हो रहा है सबसे ज्यादा, ऑर्डर डिस्पैच ऑर्डर और पार्टी पेमेंट इस जगह पे इनका सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या क्लियर हो रही है? इसका मतलब अगर इन्हें अपना टाइम फ्री करना है सबसे पहले इन्हें कौन से सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे? ये वाले सिस्टम डेवलप कर लेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम के और फाइनेंशियल सिस्टम। ये वो जगह है जिनसे इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, यार मैं इससे ना बाहर निकलना चाहता हूं। क्या क्लियर है ये वाली बात सबको? स्टेप्स टू फ्री योर टाइम फॉर बिजनेस ग्रोथ, भाई क्या होते हैं? सबसे पहले जो स्टेप होता है वो अवेयरनेस का होता है। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता जिस चीज की हमने एक्सरसाइज करी। उसके बाद होता है उस चीज को रिकॉर्ड करना, टाइम लॉग बनाना। उसके बाद थर्ड लेवल पे होता है सिस्टम क्रिएट करना, जो हमने कहा कि भाई इन्हें ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए होगा जो इन्हें थोड़ी सी आजादी दिलाएगा, राइट। अब सिस्टम जो क्रिएट होना है उस पर मैं आपको बात बताऊंगा। उसके बाद इनको क्या क्या चाहिए होंगे, जब ये सिस्टम बना लेंगे तो इन्हें लोग चाहिए होंगे ताकि वो आदमी ये वाला काम करना शुरू कर दे और इनका टाइम फ्री हो जाए, राइट। और उसके बाद क्या है, डेटा सिस्टम, कि भाई जो मैंने कहा है क्या काम उस तरीके से चल रहा है, ये वाली चीजें बनाने के लिए ना ये वाला काम करना होगा। क्या क्लियर हो रही है सबको ये वाली बात? सो अब सिस्टम की हम बात करते हैं, राइट। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब कोई भी ये वाला काम कर सकता है। मैंने सिस्टम को इतना आसान बना दिया कि कोई भी ये काम कर सकता है। आप सब लोगों ने मैकडोनल्ड के बारे में सुना, मैकडोनल्ड सबसे सुपीरियर एग्जाम्पल है सिस्टम्स का। आप लंदन में हो, दिल्ली में हो, मद्रास में हो, मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, चेन्नई में हो, कहीं पे भी हो, आपको मैकडोनल्ड की दुकान पे स्टूडेंट ही काम करता हुआ मिलेगा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट क्या बहुत स्किलफुल लेबर होती है? स्टूडेंट शुरुआत में स्किलफुल नहीं होता। तो बताइए मैकडोनल्ड जैसी ब्रांडेड कंपनी कैसे स्टूडेंट से काम करवा लेती है, जिसकी अगर कोई भी एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो हमारी आपकी उतनी तबाही नहीं होगी जितनी मैकडोनल्ड की हो जाएगी, लेकिन फिर भी काम स्टूडेंट से करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि उन्हें सिस्टम बनाने आते हैं। सिस्टम का मतलब मशीनें दे दी, अपने अंदर अकल मत लगाओ, ये मशीन दे रखी, इस मशीन को चलाना सीख लो। जैसे ही आप अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को सोच के करने के लिए काम देते हैं, आप अपने ऑप्शंस को क्या कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? उन्हें सिस्टम दीजिए ताकि उन्हें सोचना ना पड़े, क्योंकि जब तक आप रिपीटेबिलिटी नहीं ला पाएंगे तब तक क्या करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, कि भाई ऑर्डर तो मैं ही लेता हूं और ऑर्डर वाली चीजें मैं ही करता हूं, राइट। आपको उस वाली चीज में ये सोचना पड़ेगा, दो तरीके की दुनिया है। एक दुनिया है जो पुरानी दुनिया है, जो आपको जानती है, आपको काम करती है। एक दुनिया नई भी तो बन रही है। आपको धीरे 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 करके क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको उसके साथ फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी पूछना पड़ेगा कि यार आप में कोई चांद तारे तो नहीं लगे? ऐसा क्या है आपके पास जो आपके एम्प्लॉय के पास नहीं है कि उस आदमी को आप ही से बात करनी पड़ती है? ये एक क्वेश्चन है जो सोचने योग्य क्वेश्चन है। सुनील जी क्लियर है वाली चीज? ये एक सोचने योग्य क्वेश्चन है कि आपके पास ही क्या है ऐसा? भाई हो सकता है आपके पास मालिक वाला रुतबा हो, आपका डिसीजन ले लेने की पावर हो, नेगोशिएट करके तुरंत प्राइस बता देने की पावर हो, लेकिन ये सारी चीजें सॉल्वेबल है। ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, राइट। इनके सिस्टम बनाने के जरिए हो। उसके बाद पीपल, कितने लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं सर हमारे लोग काम ही नहीं करते। देखिए एक कठोर बात कह रहा हूं आपसे,
लोगों पे उंगली तब उठाइए जब आपका खुद का साफ हो। साफ होने का क्या मतलब है? आप जिस भी आदमी से काम करवा रहे हैं, क्या आपने उसे वो मशीन दे रखी जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए? अगर आपने उसे वो मशीन नहीं दे रखी जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए, तो उससे शिकायत मत करिए, पहले अपने आप से शिकायत करिए कि यार मैं इसको ऐसे कैसे सिस्टम बना के दूं ताकि जो मैं इससे चाह रहा हूँ वो काम ये वाला आदमी कर ले। तो लोग तब आप देखिए, आपके जो लोग आते हैं कोई बहुत काबिल नहीं होते, बहुत स्किल्ड स्टाफ नहीं होता। स्किल्ड स्टाफ ना होने की वजह से क्या होता है, उन लोगों के पास ना क्रिएटिव एबिलिटी नहीं होती। क्रिएटिव मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप उन्हें कोई चीज बना के दे दो, वो चला लेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप उन पे छोड़ देंगे वो वाली चीज कि हाँ भाई तुम करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इजी अप्रोच लेते हैं। इजी अप्रोच क्या, अरे यार ये कर ही नहीं पा रहा यार, ये तो यार गड़बड़ा है, बेकार आदमी है। वो बेकार आदमी नहीं है, उसके पास वो मशीन नहीं है जो उसे चाहिए। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी से एक आदमी अपने हायर किया है और वो आपके काम नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बेकार आदमी नहीं है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे उसे सिस्टम से चलने की आदत थी जो आपके यहाँ नहीं है, और उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सिस्टम बना दे। वो हैसियत आप ही की होगी, राइट? जब तक ये वाला काम नहीं होगा, आप लोगों से काम नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद जो डेटा का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या करता है, डेटा का सिस्टम आपको ताकत देता है कि आपने जो कानून बनाए हैं वो कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाली चीज आपको डेटा की ताकत देती है। तो अगर आपको फ्री होना है तो सबसे पहले ये तीन वाले दो स्टेप है, ये वाले स्टेप आपको करने पड़ेंगे। बाकी के जो स्टेप है ये थोड़े लंबे स्टेप, इस पे तो क्रिएटिंग सिस्टम्स में हम 10 से 12 घंटे बिताते हैं, अपने प्रोग्राम में पीपल सिस्टम पे 6 से 8 घंटे बिताते हैं, डेटा सिस्टम में 10, ये तो अपने आप में ही 24-25 घंटे का काम है, राइट? लेकिन ये कठिन नहीं है, ये वाला काम कठिन नहीं है। छोटी छोटी चीजें एक बार करना होगा, आप सीख गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके।
तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। So, इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।